राजसमंद में भाजपा जिला कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं आग लगाकर टायर जलाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। अभी भाजपा कार्यालय के जिला कार्यालय के यहाँ है और आपको बता दें कि राजसमंद में विधानसभा में दीप्ति माहेश्वरी को टिकट देने के बाद लोग आक्रोशित हो गए और उन आक्रोशित लोगों ने किस तरह से कार्यालय का घेराव किया है हम देख सकते हैं। कुर्सियाँ लेकर कार्यकर्ता चल रहे हैं, कुर्सियाँ तोड़ दी हैं, कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, तोड़फोड़ किया जा रही है और आप देख सकते हैं ये भाजपा कार्यालय के अंदर तोड़फोड़ की जा रही है, भाजपा के कार्यालय में तोड़फोड़ की जा रही है। आप देख सकते हैं आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने फर्नीचर को तोड़ दिया है। ये भाजपा जिला कार्यालय परिसर के अंदर का नजारा है। आक्रोशित कार्यकर्ता मुख्य रूप से राजसमंद विधानसभा में किस तरह से दीप्ति माहेश्वरी को टिकट देने और लोकल को टिकट नहीं देने को लेकर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। राजसमंद में भाजपा जिला कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ की जा रही है, ये आप देख सकते हैं। लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरह से यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए हैं। उनकी मुख्य मांग थी कि दिनेश बड़ाला, गणेश पालीवाल, अशोक राका व महेंद्र कोठारी को स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिलाने की मुख्य रूप से मांग की जा रही थी, लेकिन स्थानीय को टिकट नहीं मिलने को लेकर भाजपा के कार्यकर्ता काफ़ी आक्रोशित हो गए और उसके चलते आप देख सकते हैं पूरे कार्यालय में फर्नीचर की तोड़ फोड़ कर दी और उसके साथ ही बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हैं। सभी कार्यकर्ता सभी आक्रोशित हैं और उनका कहना है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए, जैसा कि और स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं मिलने पर सभी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। उन कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, इस वजह से सभी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और इस वजह से तोड़फोड़ कर रहे हैं, फर्नीचर को तोड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रद्दी है उसको तोड़ पटक किस तरह से चेयर को पट किया जा रहा है, कांच को पटका जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर तोड़फोड़ भाजपा कार्यालय के परिसर के अंदर का यह नज़ारा है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं, मुख्य रूप से लोकल को टिकट दिलाने की मांग की जा रही है और कार्यकर्ताओं द्वारा ये देख लीजिए आप किस तरह से यहाँ तोड़फोड़ की जा रही है। यहाँ बताया गया कि भाजपा के जिला अध्यक्ष भी यहीं पर हैं और भाजपा के कई पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हैं। सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों की एक ही बात है कि क्यों बाहरी व्यक्ति यानी कि दीप्ति माहेश्वरी को दोबारा टिकट दिया गया। उनकी मुख्य रूप से मांग है कि राजसमंद में किसी भी व्यक्ति को, लोकल व्यक्ति को टिकट दिया जाए, लेकिन स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं देने की वजह से मुख्य रूप से यही आक्रोश है सभी कार्यकर्ताओं में है। देख सकते हैं पूरे भाजपा कार्यालय में किस तरह से तोड़फोड़ कर दी गई है और यह आप देख सकते हैं कचरा पात्र, सभी कुर्सियां, फर्नीचर सबको तोड़फोड़ करके आपने बिखेर दिया है। और अब सभी जो कार्यकर्ता हैं मुख्य रूप से जिलाध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष के चैम्बर में सभी कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। यह देखिए अब भाजपा के जिलाध्यक्ष को घेर लिया है यहाँ पर। भाजपा जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष मानसिंह बाहरट के कक्ष में सभी आक्रोशित लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जिलाध्यक्ष मानसिंह बाहरट को ज्ञापन सौंप रहे हैं और लोगों से यह जवाब मांगा जा रहा है। इन जिन बावनों की आवाज तो आप ही पहुंचोगे, आप ही मुल्क में आपकी आवाज आने का काम है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? लोकल और स्थानीय बाल यात्रा टाइम दलो आप निगाह में आप रहे आका देंगे समर्थन होते हुए हमारे नेता है क्यों हम अभियान में फाइनलिस्ट करना हो तो 3 महीना 4 महीना खून का पहले करते थे।
भाजपा के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा सामूहिक रूप से इस्तीफे दिए गए हैं। आप देख सकते हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट की टेबल पर इस्तीफे पड़े हुए हैं। हम नई पार्टी खड़ा करेंगे।
पार्टी ने स्थानीय का टिकट मांगा है, एक बार स्थानीय को टिकट दे, पुनर्विचार करें इस पे और 30 तारीख तक हमें आश्वस्त करें हम 30 तारीख को टिकट बदल देंगे, नहीं तो पार्टी को नुकसान पहुंचेगा और 30 तारीख के बाद हम दिल्ली का भारण करेंगे और पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। धन्यवाद। मान्य जिलाध्यक्ष महोदय जी के चारों जो जनता इस राष्ट्रमंडल राज्यसभा सत्र के लिए पधारी है, हमने आपके पर पूर्ण विश्वास किया। हमने 5 तारीख को रैली निकाल कर 10,000 लोगों का यहाँ जमावड़ा किया, पर आपसे उस आवाज तक जयपुर तक नहीं पहुँचे और जयपुर तक आवाज नहीं पहुँचने के कारण एक तरफा अन्याय हुआ हमारे साथ और हमारे ये जो चारों जो प्रत्याशी थे उनको पूछ के तरह आपने नहीं बुलाया गया क्या बताइए एक अन्याय हमारे साथ हुआ है। आपने हमारी आवाज को जयपुर तक नहीं पहुंचाई, इसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रमंडल राज्यसभा में इसके घोर निंदा करती है और आपका और आपकी पूरी प्रदेश जनता का पूरा खिलाफ बहिष्कार करती है। मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, आज की जो आवाज आज की ये तो खाली एक झांकी है, सब कार्यकर्ता अपने विवेक से आए हैं, अगर चाहे आप तो 3 दिन का समय दीजिए, हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको इस कारण से घेरेगी कि पूरे राजस्थान में आप पे घेरा होगा। अगर आपने टिकट चेंज नहीं किया आपको खुद को पछताना पड़ेगा और मेवाड़ आपके हाथ से निकल जाएगा। राष्ट्रपति ये ऐसा संदेश देगी पूरा मेवाड़ आपके हाथ से निकल जाएगा, उस समय ये मत कहना। ये हुआ जो अपने कर्मों से हुआ है, हमने आप पे विश्वास किया और आपने आवाज नहीं पहुंचा पाए। हम सभी आज ये ट्रेन करते हैं कि हम नहीं देंगे वोट बीजेपी को और ना देने देंगे वोट। दामोदर जी अग्रवाल अभी आया, एक मिनट को दामोदर जी अग्रवाल, अगर आप नहीं होते उस दिन सम्मेलन माध्यम में तो हमारी आवाज को हम दिल्ली पहुंचा देते, दिल्ली के उसके हमारी आपकी शर्म नहीं का बात जिला अध्यक्ष पर है। आज मोदी जी और अमित शाह पे हमें इतना पूर्ण विश्वास था कि वो वंशवाद और परिवार के खिलाफ है, परंतु आज जो हमारे साथ हुआ परिवार वंशवाद को लेकर उनको टिकट दिया गया। ये जनता और ये कार्यकर्ता ये पूछते हैं उनको किस खाते से टिकट दिया गया, उन्हें पार्टी में उनका क्या एक्सपीरियंस है, पार्टी में उन्होंने क्या काम किया है। आज जितने भी कार्यकर्ता है कोई 5 साल से कोई 10 साल से कोई 15 साल से, ये भाई साहब 30 साल से पार्टी का काम कर रहे हैं। हम ये चाह रहे थे 2.5 लाख में से किसी भी कार्यकर्ता को आम कार्यकर्ता को जिसने जाजम भी चाहिए, जिसने पार्टी की झंडी लगाई है, जिसने पार्टी का काम किया है, उसमें से किसी को टिकट देते हम उसके साथ तन मन और धन से रहते और जिन्होंने फर्म एक पैरा फुट लाकर जो हम पर थपा गया है ये जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरी गर्मी में पानी नहीं मिला सकी, निराश क्या करेंगे, पूरी गर्मी में परेशान हो गई, जब तक 4 महीने विधायक ने अपने संगठन को संगठन नहीं समझा, संगठन की भेंट को हमें वो कब आती थी कैसे आती थी हम जानते हैं, केवल कार्यकर्ताओं को यह सिखाया जाता है संगठन सर्वोपरि, क्या जनप्रतिनिधियों में लागू नहीं होता है। आई लाइन मंजूर नहीं है, ये सब जो है सब केवल जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता बना
भी रुक जाओ भैया। माननीय जिलाध्यक्ष मोदी जी, क्या जिलाध्यक्ष जी बाहर रुक जाओ, एक मिनट रुकिए। इस राज्य में विधानसभा में 230,000 मतदाता है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्या उसमें से एक भी आपने किसी को लायक नहीं समझा? तो इस पैराशूट को यहाँ लाके वापस और यहाँ पे आपने दावेदार बनाया, क्या इस इतने लोग हैं, इन लोगों की आपने भावना नहीं समझी? हमने आपको कितनी बार पहले आग्रह किया था, अगर मान लो पैसे देकर ही अगर टिकट मिलता है तो ये पार्टी का कार्यकर्ता रात दिन मेहनत क्यों करेंगे? क्यों करेंगे ये मेहनत, आप बताइए हमें, जवाब दीजिए इन लोगों को, ठीक है ना? हम इतने सालों से पार्टी के साथ में लगे हुए हैं, तन मन और धन से पार्टी ने आज दिन तक जो हमारे ऊपर जो आदेश दिया उसको हमने सिरोधारी करते हुए पिछले चुनाव में भी इसकी माँ की जगह इसको इस माँ की माँ को मरने के बाद में इसको टिकट दिया हमने, उसके जो कार्यकाल का जो टाइम बचा था उसको हमने सहर स्वीकार करते हुए उसको इतनी मेहनत करके, जबकि पूरी राजस्थान सरकार यहाँ लगी थी, हम सभी ने इतनी मेहनत करके उसको जिताया, लेकिन ये माननीय मोदी जी वहाँ से बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ, क्या राजसमंद में परिवारवाद और वंशवाद आपको नजर नहीं आया? क्यों इन कार्यकर्ताओं की हत्या की आप लोगों ने? सब कार्यकर्ताओं को यह समझा दो आप कि इनका पार्टी में क्या योगदान है? और अपनी एक सीट नहीं आती थी, उस समय के कार्यकर्ता गांव गांव में घूमते थे, कोई झंडी लगाने वाला, कोई जाजे बिछाने वाला नहीं मिलता था, उस सब दौर के जो आज कार्यकर्ता है, क्या माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिला में उनको जानते नहीं जाते? एमएलए कहां से लाई वो? जो जनसंघ समाजसेवी कार्यकर्ता है, उनके परिवार है, उन्होंने अपना पेट काट काट के पार्टी को सींचा, उन कार्यकर्ताओं को आज के भारतीय जनता पार्टी की निष्ठाएं हैं, आज का वर्तमान प्रत्याशी जो दोनों घोषित किया राजसमंद जिले में, क्या वो जानते हैं क्या? आप अपने आप से पूछे और उनको बुला के पूछे कार्यकर्ताओं के सामने कि भारतीय जनता पार्टी की क्या निष्ठाएं हैं, वो उनके मुंह से बदलने लगे। हम पार्टी की नीति नहीं जानती है, क्या होता है आते पार्टी क्या होती है, प्रधान बड़ा होता है कि जिला प्रमुख बड़ा होता है? किसी पद पे रही हो तो आप हमें बताइए, लोगों की जिंदगी फंस गई पार्टी की सेवा करते करते, लेकिन डायरेक्ट सीधी भर्ती करके आपने राजसमंद के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, ये अब राजसमंद की जनता इसको सहन नहीं करेगी और इस चुनाव में इसको सुरंग पार करवा के भेजेगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी लेकिन व्यक्ति को हरा कर भेजेंगे। उससे पहले अगर बारी ये उतरते आपको बुरा नहीं लगता, होते हुए बारे को उतारे
अध्यक्ष मानसिंह बारट को भी आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बाहर निकलने के लिए कहा है। अभी जिला अध्यक्ष मानसिंह बारट बाहर निकल रहे हैं। आप ये कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आक्रोश जताया और सभी का ये देखिए भाजपा के जिला अध्यक्ष मानसिंह बारट भी अपने कक्ष से बाहर निकल रहे हैं। आप देखिए ये कई कार्यकर्ता जो बड़ी तादाद में आए हैं, उन्होंने लगातार यहाँ पर आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है। नंदलाल बारे गिलोन हम दिनेश जी बनाना को चाहिए, उसको हमारे को नहीं चाहिए, वो डिप्टी हमारे को नहीं चाहिए। हर गांव में पांच पांच मुर्गे पाल रखे, वो कमा खा रहे हैं, हमारी सुनती नहीं है। किनमेसी की वगैरह थाने में आग फूटी मेरी ये और कान फूटे, पर किनमेसी ने हमारे कोई मदद देखी तो भी हम पार्टी के साथ हैं। ये देखिए आक्रोशित कार्यकर्ताओं में भी बड़ा आक्रोश है और इस आक्रोश के चलते मुख्य रूप से सभी लोग ये बाहर निकल रहे हैं। आप बाहर कार्यालय के बाहर आप ये देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से पूरे कार्यालय परिसर में तोड़फोड़ कर रखी है और यहाँ सभी आक्रोशित कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। ये मुख्य कार्यालय के बाहर सभी कार्यकर्ता दरवाजे से बाहर निकल चुके हैं, यहाँ से जिलाध्यक्ष भी बाहर निकल चुके हैं। अभी ये भाजपा कार्यालय के अंदर का ये वातावरण है, यहाँ पर आक्रोशित भाजपा कार्यकर्ताओं की यह स्थिति है। आप देख सकते हैं यह आक्रोशित युवाओं ने किस तरह से तोड़फोड़ की। भाजपा जिला कार्यालय के बाहर सभी कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए हैं। देखिए आप ये सोफा भी कार्यालय से बाहर निकाल दिया और सभी कार्यकर्ता इस भाजपा के जिला कार्यालय को जिलाध्यक्ष को ही बाहर निकाल दिया है और कार्यालय के द्वार पर ताला लगाने जा रहे हैं कि ऐसा कार्यालय हमारे नीचे ही। आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है, या मुख्य द्वार पर जिलाध्यक्ष मानसिंह बारट भी गेट से बाहर आ चुके हैं। कार्यालय के गेट पर ये कार्यकर्ता ताला लगा रहे हैं, इस कार्यालय को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया है। भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह बारट को कार्यालय से बाहर निकाल दिया, मुख्य दरवाजे पर ये खड़े हैं और सभी कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। और देख सकते हैं आप कार्यालय के बाहर आक्रोशित ये युवाओं ने फर्नीचर से तोड़फोड़ की, मुख्य द्वार पर तोड़फोड़ की और साथ ही भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के खिलाफ भी नारेबाजी लगाई जा रही है। एक दिन पहले ही चित्तौड़गढ़ में नारेबाजी हुई, उसके बाद दूसरे दिन राजसमंद में भी वो आग
आक्रोश की आग पहुंच चुकी है। भाजपा जिला कार्यालय के बाहर आक्रोशित लोग नारेबाजी कर रहे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहां एकत्रित हैं और सभी लोगों का एक ही मांग है कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट नहीं देने को लेकर सभी लोग आक्रोशित हों। इसी के तहत अभी लोग यहां जिला भाजपा कार्यालय के बाहर एकत्रित हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और मुख्य द्वार पर मुख्य गेट को जो आप देख सकते हैं ये बंद कर दिया गया है ये दरवाजा, और इसके बाहर सभी लोग नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ से सोफे को भी बाहर पटक दिया है, फर्नीचर से तोड़फोड़ कर दी है।